अब यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन का आपका जो है पार्ट नंबर कौन सा है, ये 5 है। और इसमें हम लोग का जो रूल है आप एडजेक्टिव से वर्ब कैसे, यानी कि एडजेक्टिव को वर्ब के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे, है ना। जैसे अगर हम आपसे सिंपल सा कह दें कि एक तो एडजेक्टिव में ई एन लगाकर आप वर्ब के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। यानी कि एडजेक्टिव में अगर आप ई एन लगा देंगे तब वो वर्ब के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर बात करें एबल, तो एबल आपका एडजेक्टिव है, एबल क्या आपका एडजेक्टिव है। अब एबल का अगर बात करें, इसको आप वर्ब के फॉर्म में कन्वर्ट करो, नहीं एबिलिटी तो नाउन हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या एडजेक्टिव है और आपको कन्वर्ट करना है वर्ब के फॉर्म में, तो ई एन लगाकर यानी कि इनेबल, ये आपका वर्ब के फॉर्म में। यहाँ एबल मीन्स होता है योग्य, एडजेक्टिव एज अट्रेट किया जाएगा, इसको वर्ब के प्लेस पर यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन इनेबल को यूज किया जा सकता है ना। तो इनेबल क्या है आपका वर्ब है, दोनों में यही अंतर है ना। जैसे नोबल, नोबल तो नोबल एडजेक्टिव है, नोबल का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा इन नोबल, नोबल का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा इन नोबल, मीन्स श्रेष्ठ बनाना। लार्ज, लार्ज क्या आपका एडजेक्टिव है, लेकिन लार्ज का अगर वर्ब फॉर्म देखें तो हो जाएगा इन लार्ज, और इन लार्ज से अगर हम नाउन बनाना चाहें तो इनलार्जमेंट, सुने होगे ना। तो देखो लार्ज, इन लार्ज, इनलार्जमेंट, इन सब में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो लार्ज एडजेक्टिव है, है ना, इन लार्ज क्या है वर्ब है, और इनलार्जमेंट क्या है आपका नाउन है, ये डिफरेंस है। क्लियर। श्योर है ना, श्योर ये आपका क्या एडजेक्टिव है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा श्योरिटी, लेकिन श्योरिटी नाउन है ना, इनश्योरिटी ये भी नाउन है अपोजिट में। अब यहाँ श्योर का आपको वर्ब के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो श्योर का वर्ब फॉर्म हो जाएगा इनश्योर, है ना, ये वर्ब है। आदमी कहता है इनश्योर कर लो, ये अपोजिट नहीं है, है ना। आदमी कहता है भाई इनश्योर करो, है ना, या श्योर करो, तो श्योर मीन्स एडजेक्टिव और यहाँ इनश्योर मतलब वर्ब। तो पहला क्लियर है ना कि किसी एडजेक्टिव में अगर ई एन क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, यानी कि एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करेंगे। इसको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, एज अ प्रीफिक्स ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं प्रीफिक्स, मतलब पहले लगा दें, तब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब के फॉर्म में। इसी तरह ई एम, जैसे ई एन है वैसे एक और है ई एम से भी आप उसको वर्ब के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे बोल्ड, बोल्ड, बोल्ड मीन्स होता है क्या होता है साहसी, और बोल्ड का जो वर्ब फॉर्म होता है वो होता है इम्बोल्ड। बोल्ड का वर्ब फॉर्म क्या होता है इम्बोल्ड। बोल्ड मीन्स साहसी और इम्बोल्ड मीन्स साहसी बनाना, ठीक। जैसे बिटर, बिटर मीन्स क्या होता है, ये टेस्ट बताता है ना, बिटर मीन्स होता है कड़वा, ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन इसका वर्ब फॉर्म देखें तो इम्बिटर हो जाता है, ये अपोजिट नहीं हो रहा, ध्यान देना। प्रीफिक्स हम बताए थे ना, प्रीफिक्स हमेशा अपोजिट नहीं करता, ये इम्बिटर मतलब हो गया, ये क्या हो गया आपका वर्ब हो गया आपका। इम्बिटर मीन्स होता है किसी चीज़ को कड़वा करना। अच्छा, दो रूल क्लियर हुआ, ई एन लगाकर एज अ प्रीफिक्स और एज अ प्रीफिक्स ई एम लगाकर, है ना। अब इसके बाद क्या होता है एज अ सफिक्स। देखो अब यहाँ एडजेक्टिव में अगर आप एज अ सफिक्स क्या ऐड कर दोगे, एज अ सफिक्स आई एफ वाई ऐड कर दोगे, तब वो नाउन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एज अ सफिक्स आई एफ वाई ऐड कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है नाउन के फॉर्म में। जैसे बात करें क्लियर, तो क्लियर आपका एडजेक्टिव है, यह सही है, क्लियर आपका क्या एडजेक्टिव है, तो क्लियर का वर्ब फॉर्म हो जाएगा क्लियरीफाई, क्लियरीफाई है ना, क्लियरीफाई हो जाएगा, क्लियर है ना। इसी तरह आपका फाल्स, फाल्स आपका क्या है ट्रू फाल्स होता है ना, फाल्स एडजेक्टिव है ना, तो फाल्स का क्या हो जाता है फाल्सीफाई, फाल्स का फाल्सीफाई, ये वर्ब फॉर्म है, झूठा सिद्ध करना फाल्सीफाई है ना। प्योर का क्या हो जाता है, हाँ प्यूरीफाई, आदमी कहता है ना प्यूरीफाई करो इसे,
हाँ ये तो सुने हो, ठीक है, प्यूरीफाई, तो ये प्यूरीफाई वर्ब है और प्योर क्या है आपका एडजेक्टिव है, तो एक तो आई एफ वाई एडजेक्टिव में अगर आई एफ वाई ऐड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब में। इसी तरह अगर एडजेक्टिव में हम ऐड कर दें एज अ सफिक्स ई एन, यहाँ पर एज अ प्रीफिक्स ऐड कर रहे थे, अब हम एज अ सफिक्स यहाँ सफिक्स की बात कर रहे हैं, एज अ सफिक्स ऐड कर दें ई एन तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब में। जैसे चीप, चीप मीन्स क्या होता है कोई चीज़ सस्ता होना, चीप मीन्स सस्ता जो कि एडजेक्टिव है, और जब जैसे आप वर्ब फॉर्म बनाओगी ये हो जाएगा चीपेन, चीपेन, चीपेन मीन्स सस्ता करना है ना। डीप, डीप, डीप आपका एडजेक्टिव है ना, डीप का डेप्थ अभी इसके पहले आपने देखा था, तो डेप्थ नाउन फॉर्म है ना, लेकिन डीप को आपको किस में चेंज करना है वर्ब के फॉर्म में, तो डीप का हो जाता है डीपेन। ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है ना। डीपेन मीन्स गहरा करना, लॉन्ग का, लॉन्ग का अगर नाउन देखा जाए तो लेंथ था, लॉन्ग का नाउन, लॉन्ग एडजेक्टिव है, लॉन्ग का नाउन फॉर्म क्या था लेंथ था, लेकिन लॉन्ग का अगर बात करें वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा तो लेंथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा लेंथेन, लेंथेन मीन्स होता है लंबा करना। रेड, अब देखिए रेड एडजेक्टिव है, कलर के बारे में बताता है लाल, लेकिन रेड का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा रेडन, रेडन मीन्स लाल करना है ना, आई विल रेडन यू, मैं तुम्हें लाल कर दूंगा, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आई विल रेडन, अब हम आई विल रेडन, रेडन को एज अ वर्ब ट्रीट कर रहे हैं ना, लेकिन आई विल रेड यू ये गलत हो जाएगा, आई विल रेड यू ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा क्योंकि वो एडजेक्टिव है। हाँ अगर हम ऐसे कह दें आई विल रेड यू, रेड यहाँ लिख दें और यहाँ लिख